माननीय अध्यक्ष महोदय मते ओडिया रे कहिया पे सुजोग देथवारु अनेक अनेक धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण पई जते आमे कार्य करथ महोदय बहुत कम थाए। माननीय तीनटी स्पष्ट विषय मु आपनका माध्यम रे सरकार के पाखे रखिया पे चाहूची एवं दुईटी प्रस्ताव को आपनका पाखे रखिया पे चाहूची जहा कि महिला सशक्तिकरण पई अत्यंत जुगांतकारी कार्यक्रम हो पारिबो। प्रथमतः सामाजिक एवं अर्थनैतिक सशक्तिकरण पर महिला मानकर जेते आप चिंता करेंगे एक योजना आणवा दरकार अच्छी तार कि विषय वस्तु रही से मुझ चुंबक कह ओडिशा रे मिशन शक्ति नामक एक योजना अच्छी एक विप्लव अच्छी जो थे कि 80 लाख महिला से सशक्त होती प्रकार योजन निजर जीवन जीविका से परिवर्तित आशा करूँ केन्द्र सरकार जो प्रकार भाव नेशनल मैटरनिटी स्कीम को ओडिशा रो ममता योजना रो मॉडल को देखिकरी कार्यकारी करैछंती सेई प्रकार भाव रे मिशन शक्ति रे महिला सशक्तिकरण जो प्रकार भाव रे वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिला गोष्ठी मानक द्वारा स्वयं सहायक गोष्ठी मानक द्वारा करा जाउची सेई प्रकार कार्यक्रम ग्रहण ग्रहण करंतु। द्वितीय विषयटी महोदय कहिकि शेष करिवि राजनीतिक सशक्तिकरण रो भी मध्य जथेष्ट आवश्यकता रहिछि आम देश रे। मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जो प्रकार भाव रे महिला सशक्तिकरण पई महिला संरक्षण बिल पे बारंबार कही आसुचंती महोदय मु आशा करूची जो प्रकार भाव रे केंद्र सरकार तुलटाल नीति अवलंबन करुचंती महिला संरक्षण बिल को तुरंत पारित करिवार आवश्यकता रही विगत दिन में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक निज दल तरफ रु लोकसभा पे एक तृतीयांश सीट से महिला मानक पे संरक्षित करथिले। मु आशा करूची ए दुईटी जाक प्रस्ताव एक मिशन शक्ति को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में परिणत कर महिला सशक्तिकरण सामाजिक एवं अर्थनैतिक दृष्टि एवं राजनैतिक सशक्तिकरण वुमेन्स जो आप रिजर्वेशन बिल अच्छी से तुरंत पारित करने आप अनुरोध धन्यवाद।